आज मैं अभी समय आ गया हूँ लखनऊ एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक। तो अभी मैं कोविड से मुंबई गया, मुंबई से फिर अभी लखनऊ पहुँच गया हूँ। इस समय मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ। ओके, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिलता हमारे लोकेशंस के लिए। तो इसके लिए दो तरीका है या तीन तरीका है, चाहे आप उस टैक्सी पकड़ के जाओ, अदरवाइज़ ऑटो पकड़ के आप बस डेपो जाओ, उसके बाद चाहे वहाँ से आप रेलगाड़ी पकड़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड्स करता है आपको कैसा सूटेबल से हो के। तो मेरी प्लानिंग है मैं बस पकड़ के जाऊँगा, क्योंकि रेलगाड़ी के लिए इतना दिमाग थोड़ी नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उड़ रहता है, बैठने को बराबर नहीं मिलता है। तो इस समय मैं बाहर आ गया हूँ और ये लखनऊ का एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो इस एयरपोर्ट पे मैं, ये तीसरा सफ़र है मेरा, इस एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा हूँ। अदरवाइज़ मैं आज टाइम जो टिकट निकालता हूँ गोरखपुर, डायरेक्ट मैं गोरखपुर जाता हूँ, और गोरखपुर से मेरा घर नज़दीक है, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट दो से दो घंटे के अंदर घर पे पहुंच जाता हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से अभी बस पकड़ना है, फिर चार घंटा ट्रेवल करना है। ओके, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ओके, वहाँ पर पहुँचने के लिए तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को भी दबा दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। और मैं आप लोगों के बीच में ऐसी जानकारी और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में देता रहता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो लखनऊ एयरपोर्ट है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। ओके, तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको बस स्टेपो तक का मैं आपको पूरी लुक मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो, ओके, तो मेरा चैनल का नाम है इंडियन ईटू पर नीलेश राजपूत के नाम से मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैनल के ऊपर मैं पूरी कोविड के बारे में और जॉब के रिगार्डिंग में और भी जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पर जानकारी आपको बीच में आपको शेयर करता हूँ और देता रहता हूँ। बात यह है कि आज बहुत दिन के बाद तीन पहिए की सफारी किया जा रहा है और मतलब एक इसको हमारे इंडिया में इसको ऑटो रिक्शा कहा जाता है। तो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव फॉर दिस वन। तो वहाँ पे टैक्सी वाला मिला, पैसा लो यार, हम चली। सो एक भाई को हमने पूछा, भाई हमें हमें बस डेपो पे छोड़ दो। दादा ये बैग पकड़ लेना है ऐसे, भाई हमें बस डेपो पे छोड़ दो। तो भाई ने बोला 300 लेगा। तो एक भाई मिला ऑटो रिक्शा वाला, उन्होंने कहा कि 150 रुपये में छोड़ देंगे। सब हिंदुस्तान है भाई, जुगाड़ का दुनिया है। Today I have a very big journey because I have to come to directly for Kuwait and Kuwait to Mumbai and Mumbai to Lucknow and then I'm going to for Lucknow to Gorakhpur. So I'm just going to bus stop, I will take the bus, then I will go. Maybe I have maybe 4 and 5 hour journey one more again. So guys, always I'm saying if you like my channel, so please subscribe.